जो आप देख रहे हैं ये जो जुल्म हो रहा है ये 3% लोग हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह भी जो है यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है, ऐसा महसूस होता है जब इनका हमारा कोई भी प्रोशन हो, मुस्लिम का हो, एसटी का हो या हमारे दलित भाई का हो, तो उनके साथ वो उस तरह का बिहेव करते हैं जो ऐसा लगता है कि हम यहाँ के नेशनल ही नहीं हैं या हमारे वो भाई, तो ये गलत है, इनजस्टिस है, इसके ख़िलाफ़ है, ये नहीं होना चाहिए। एक इंडियन लॉ के मुताबिक जो हमें अथॉरिटी है, हमें इस बात का अधिकार है कि हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं किस भी तरह से करें, वो भी हमें छीनना चाहते हैं वो, तो इसके विरोध में हम अभी जो इन्होंने किया, आपने महसूस किया कि हमारा जो 2 तारीख का प्रोटेस्ट था हमारे भाइयों का, हमारे दलितों का, एसटी का, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसका अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन ये संविधान को ही नहीं मान रहे हैं। और कुछ इनके दूसरे लोगों का जो होता है तो उसमें उस तरह की बातें नहीं होती है जितना ये बल का प्रयोग हमारे विरोध कर देते हैं या हमारे एसटी या मुस्लिम के विरोध करते हैं। सर, इनका टारगेट अधिकतर मुस्लिम रहता है फिर दलित रहता है, अब जब लोग ये इन टारगेटों से भी नहीं माने तो ये संविधान के आड़ लेके कानूनों को दुरुपयोग में ला रहे हैं। नो डाउट कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनको करने इतने आसानी से नहीं दिया जाएगा, वो जितना महसूस कर रहे हैं वैसा नहीं है। आहिस्ते जागृति बढ़ रही है, बेदारी आ रही है, मुसलमानों में भी आ रही है और दलित भाइयों में भी आ रही है, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें जो लड़ाने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है और वो एक जगह बैठ के हमें लड़ाते हैं, तो ये जो हमारी एकता है 85% की, वो इन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। हमारा ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि हम कामयाब होंगे और इनको इस तरह बिल्कुल डिक्टेटरशिप नहीं करने देंगे। सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम सभी लोग मुस्लिम और दलित मिलकर 14 अप्रैल के प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। जी, पूरी कोशिश होगी और हमारी कोशिश जारी है और हम कामयाब होंगे और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछली बार 14 अप्रैल में आप जैसे जो मुस्लिम समाज के लोग थे बहुत तादाद के अंदर बिरयानी बना के लाए थे और बिरयानी बहुत तादाद के अंदर पार्टी थी, इस बार क्या रोल रहेगा, क्या बिरयानी की स्थिति आएगी? देखिए, ह्यूमैनिटी हमारे नेचर में है, बिरयानी आए या दाल रोटी आए या फिर सिर्फ पानी आए, जो भी मुमकिन होगा वो आएगी और हमारे लिए जो भी ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है हम करेंगे इंशाल्लाह अपने भाइयों के लिए।